सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ एसडीओ श्रद्धा पांडे और उनकी टीम के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को अवैध रेत से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर राजसात की कार्रवाई के लिए वन डिपो में सुपुर्द कर दिया गया। उसके बाद देवगढ़ थाना क्षेत्र के पठनपुरा में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर देवगढ़ थाने में सुपुर्द करने जा रही थी, तभी लोहितपुरा की पुलिया पर वन विभाग की टीम को रोकने के लिए कांटे डाल दिए गए। उसके बाद तकरीबन 100 से अधिक माफिया लाठी डंडों से लैस होकर आए और उन्हें दबंग महिला ऑफिसर और उनकी टीम पर हमला कर दिया। देवगढ़ थाना से 1 किलोमीटर की दूरी पर 100 से अधिक माफियाओं ने फॉरेस्ट की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में आरक्षक SAF मुकेश सैन घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। 2 महीनों में माफियाओं के द्वारा SDO श्रद्धा पांडे पर करीब 8 बार हमला हो चुके हैं, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। मुरैना से आशीष डंडोतिया की रिपोर्ट। हम लोग गश्त लगा रहे थे, इसी दौरान एक रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर हमें प्राप्त हुआ, जिसको हमारे टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया और उसे देवगढ़ थाने में खड़े करने के लिए लेकर ही जा रहे थे। और मैंने देवगढ़ थाने के TI को फ़ोन कर किया कि आप आइए और आप आएँ या आपका स्टाफ भेज दें, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो यहाँ हूँ नहीं और स्टाफ को देखता हूँ, यदि अवेलेबल होंगे तो मैं भेजूँगा। इसके बाद हमारी टीम मदई और वेट भी किया TI का, पर वो आया नहीं और उसकी स्टाफ भी नहीं आए और हम लोग नहर के रास्ते से देवगढ़ थाने के लिए बढ़ते गए। और जब बढ़े तो पठानपुरा एक गांव है, उन्होंने पूरी प्लानिंग से, यानी हम लोग आ रहे हैं उन्हें सब पता चल गया और उन्होंने पूरी प्लानिंग से रास्ता रोक लिया और रास्ता रोक कर पूरे गांव के लोग एक माफिया को बचाने के लिए 100 से 150 माफिया पूरे पत्थर लेकर, डंडे लेकर, बड़े बड़े डंडे पत्थर लेकर हमारे ऊपर पूरी बुरी तरह से हावी हो गए और हमारी गाड़ियों को और SF के टीमों को और स्टाफ को बिल्कुल खदेड़ने लगे, मारने लगे डंडों से, जो जिससे जो मिल रहा है डंडों से, पत्थरों से, और उनके द्वारा फायरिंग भी बहुत सारी की गई। और इसी दौरान और उन्होंने अपना ये जो जब्त हमारा ट्रैक्टर था उसको छुड़ा ले गए। छुड़ा ले जाने के बाद फिर से दोबारा डंडे और पत्थर लेकर फिर से आए हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। और पर हमारी टीम और ये इन्होंने काफ़ी बहादुरी और हौसला दिखाया और सभी मतलब हमला से तो बचे, पर हमारे यही SF के टीम ने यानी सुरक्षा करते हुए हम लोगों के यानी और उनके हाथ में पूरा हाथ को फ्रैक्चर कर दिया गया, डंडे से उनके हाथ को मारा गया, तो जिससे उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया और शायद सीने में भी, वो बता रहा हूँ कि उनको पत्थर भी लगी। और TI को भी फ़ोन किया देवगढ़ को कि हमें FIR करना है क्योंकि वीडियो हमारे पास है, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम SDOP साहब से चर्चा करेंगे, आप बात कर लीजिए फिर इसके बाद देखते हैं। ये मुझे डायरेक्ट तो नहीं पता है, किंतु जो माफिया हैं और जो गांव वाले हैं ये इनडायरेक्ट रूप से यही कहते हैं कि जो भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं वो लोग तो खुलेआम करने दे रहे हैं क्योंकि हम उनको एंट्री दे रहे हैं। एंट्री का मतलब ये गांव वाले ही बताएंगे और पुलिस वाले ही बताएंगे कि क्या एंट्री दे रहे हैं। नहीं कर रही, हमने फ़ोन किया बार बार, उन्हें फ़ोन करके बोल रहे हैं स्टाफ भेजें, उन्होंने स्टाफ भेजा ही नहीं। इवन दैट हम यहाँ से वापस मुरैना भी आ गए, उसके बाद भी उनका स्टाफ का किसी का फ़ोन आया ना TI।